सेल्फ हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं वापस नए वीडियो के साथ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था रक्त की संरचना कायदे के बारे में, और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह बिंदु है रक्त परिसंचरण तंत्र। ये भी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक विज्ञान विषय में, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं रेड राजस्थान पुलिस और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें सामान्य विज्ञान में इस टॉपिक से सामान्यतः बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि नाम से विदित है रक्त परिसंचरण तंत्र, हम चर्चा करते हैं पहले नाम पे कि इसका नाम परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रक्त परिसंचरण के बारे में सर्वप्रथम एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिसका नाम विलियम हार्वे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में जब उन्होंने पहली बार इस शब्द को कहा रक्त परिसंचरण तंत्र, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो उनका लोगों ने बहुत उपहास किया, उसका बहुत मजाक उड़ाया, और उनको लोगों ने मजाक में उनका नाम बोलने लगे सर्कुलेटर। सर्कुलेटर इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है जो मानसिक रूप से मंद है, और लोगों ने उनसे इलाज लेना बंद कर दिया क्योंकि विलियम हार्वे पैसे से चिकित्सक थे, और इससे जो दूसरे लोग थे उन्होंने उसका नाम सर्कुलेटर बोल दिया जिसको अपन बोलते हैं परिसंचारी, और इसी के कारण इसको अपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के नाम से अपन जानते हैं। हालांकि जब उनकी मृत्यु हुई उससे पहले पूरे संसार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि परिसंचरण तंत्र जो विलियम हार्वे ने जो उदाहरण बताई थी कि शरीर में जो भी रक्त है वो अपने नलिकाओं में चलता है या वाहिनियों में चलता है, इसी कारण इसको रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इस तंत्र में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है हृदय, फिर वाहिनियाँ जिसमें दो प्रकार की वाहिनियाँ होती है धमनी और सिराएं, इसके अलावा फेफड़े और बहुत सारे सहायक अंग जैसे ऊतक वगैरह है वो इसमें भाग लेते हैं। तो थोड़ा सा संक्षेप में इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली आती है वाहिनियाँ, अपने शरीर में दो प्रकार की वाहिनियाँ काम में आती है जिनको अपन सिरा और धमनी के नाम से जाना जाता है। सिरा को इंग्लिश में अपन बोलते हैं वेंस और धमनी को बोलते हैं आर्टरी। दो भागों में पढ़ने बांट दिया है, पहला है धमनी और दूसरा है सिरा। सभी अपन इससे परिचित है कि जब भी कोई वैद्य अपनी नाड़ी देखता है इसका मतलब अपने हाथ के यहाँ दबा करके वो जो धमनी है उसको चेक करता है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन या उसमें हृदय स्पंदन दर कितनी है। तो इसके मुख्य रूप से इसमें दोनों में क्या अंतर होता है वो देख लेते हैं। जो धमनी होती है इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का तात्पर्य यह है ऑक्सीजन युक्त रुधिर, या जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको अपन शुद्ध रुधिर के नाम से जानते हैं। और अशुद्ध रुधिर इसका मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि जिस ब्लड में CO2 की मात्रा यदि ज़्यादा होगी तो उसको अपन अशुद्ध रुधिर बोलते हैं, और उसका कलर भी हल्का नीला होगा क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो धमनी में शुद्ध रक्त या जिसको अपन कहते हैं O2 युक्त ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और सिरा के अंदर जो होता है अशुद्ध रुधिर या जिसको अपन कह सकते हैं CO2 युक्त रुधिर होता है,
वो बहता है या चलता है। दूसरा जो प्रमुख अंतर है, धमनियों का व्यास कम होता है, यानी कि धमनियां सकड़ी होती है और चिराएं मोटी होती है। मोटी का मतलब जिनका व्यास ज्यादा होता है, जिनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, तो उसे अपने को मालूम चल जाएगा यदि सकड़ी है, धमनी सकड़ी है, तो उसमें जो रक्त होता है ज्यादा दाब से चलता है, इसलिए धमनियों में रक्त दाब ज्यादा पाया जाता है और सिराओं में रक्त दाब कम पाया जाता है, क्योंकि वो उनका व्यास ज्यादा होता है या वो चौड़ी होती है। तो दूसरा अंतर है इनका व्यास कम और इनका व्यास ज्यादा होता है, और व्यास ज्यादा होने से इनका ब्लड प्रेशर या रक्त दाब इसमें कम होता है और इसमें ज्यादा होता है। अब इनका व्यास ज्यादा होगा तो क्या होता है, इसके अंदर कपाट पाए जाते हैं। जो कपाट क्या करते हैं, रक्त को एक दिशा में बहने में मदद करते हैं, क्योंकि व्यास ज्यादा है, यदि उसमें वो कपाट नहीं होंगे तो क्या होगा, ब्लड वापस विपरीत दिशा में गति कर सकता है, इसीलिए सिराओं के अंदर कपाट पाए जाते हैं जबकि धमनी के या आर्टरी के अंदर कपाट नहीं पाए जाते। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है, धमनियां हमेशा शुद्ध रक्त ले जा रही है, शुद्ध रुधिर अपने को पता है कहाँ पे होता है, शुद्ध फेफड़ों में शुद्ध होता है, और रुधिर को सप्लाई करने का कार्य या रुधिर को पंप करने का काम हृदय करता है, और हृदय से शुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य धमनियां करती है। ये धमनी जो होती है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक खून को ले जाती है, और सिरा जो होती है शरीर के विभिन्न अंगों से रस रुधिर को कलेक्ट करके इकट्ठा करके हृदय तक लेके आती है। लेकिन कई बार इसमें अपन जैसे परीक्षा में पूछते हैं तो भी गलती कर बैठते हैं कि सामान्य रूप से तो शुद्ध रक्त धमनी में ही चलता है और अशुद्ध जो रक्त होता है वो सिराओं में चलता है, लेकिन एक धमनी और एक सिरा ऐसी है जिसमें ये अपवाद है या इसका उल्टा कार्य होता है, जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा, यानी कि जहाँ पे पल्मोनरी ब्लड आ जाए वो उसमें उसका अपोजिट कार्य है, यानी कि पल्मोनरी जो धमनी होती है उसके अंदर अशुद्ध रुधिर होता है। सामान्य धमनी में तो शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन जहाँ पे पल्मोनरी ब्लड आ जाए या शरीर में जो पल्मोनरी जो धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है, और जो पल्मोनरी सिरा जो होती है वो शुद्ध रुधिर को हृदय से बाहर ले जाती है या निकालती है। अब उसके बाद में उसका जो चौथा अंतर है, जो धमनियां होती है अपने शरीर में गहराई में बढ़ जाती है और सिराएं होती है वो बाहर दिखाई देती है, जैसे अपने शरीर की जो नसें दिखाई देती है जिनको अपन वेंस बोलते हैं वो नीली भी दिखाई देती है, यानी कि अपन पहचान सकते हैं कि ये सिराएं हैं, और नीली दिखाई देती है कि मतलब सीओ टू युक्त उसमें रुधिर का परिसंचरण हो रहा है, और धमनियां जिसको व्यक्ति जो चेक करते हैं या बहुत बार इंजेक्शन लगाते हैं ब्लड का सैंपल लेते हैं वो सिराओं से लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है जो दूसरा अंग है वो है हृदय। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे व्यस्त अंग, जो शरीर में जीवन पर्यंत जब तक हृदय चालू है तब तक जिंदगी चालू है। हृदय बंद इसका मतलब डॉक्टरी लैंग्वेज में जिसको अपन कहते हैं कि आदमी मृत हो गया, यानी कि हृदय जब काम करना बंद कर देता है। तो हृदय की संरचना सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हृदय प्रत्येक व्यक्ति में उसकी मुट्ठी के आकार का होता है, जैसे बड़ा व्यक्ति है तो उसकी मुट्ठी बड़ी होगी, तो यदि मुट्ठी का आकार बनाए अपने मुट्ठी को मोड़ करके तो उसी आकार का अपने बाएं भाग में हृदय स्थित होता है, जो बक्स जो ये पसलियाँ होती हैं उसके अंदर सुरक्षित रहता है हृदय के चारों ओर, एक आवरण होता है जो झिल्ली होती है उसको अपन हृदय आवरण कहते हैं, और हृदय का जो सामान्य वजन होता है वो 300 ग्राम होता है, और एक बार में हृदय का जो प्रमुख कार्य है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पूरे
में सप्लाई करने के लिए पंप करने का काम हृदय करता है और एक मिनट में सामान्यतः बेहतर बार हृदय धड़कता है और एक बार धड़कने में लगभग 70 ml ब्लड को वो सर्कुलेट करता है, यानी कि 70 ml एक बार संकुचन होगा, लगभग 70 ml ब्लड का सर्कुलेशन अपनी बॉडी में होता है। अब अपन देखते हैं कि हृदय से अपने पूरे शरीर में किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसको अपन वैसे देखा जाए तो हृदय की संरचना को अपन चित्र बना के समझाएं तो बहुत ही जटिल संरचना है। अभी हम उसको देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से, कैसे हृदय को अपन मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं। मैं यहाँ रेखा चित्र से बता रहा हूँ, जैसे ये हृदय है और इसको मैंने चार भागों में बांट दिया। दो भाग और ये चार, और इसको अपन कहते हैं दायां भाग और इसको कहते हैं बायां भाग। और ये ऊपर वाला हिस्सा होगा वो आलिंद होते हैं और नीचे वाले हिस्से जो होते हैं वो नीले होते हैं। अब इसको मैं नाम दे सकता हूँ दायां आलिंद। और इसको बोल सकता हूँ बायां आलिंद। नीचे वाले हिस्से को अपन बोलते हैं नीले, नीचे हो जाएगा दायां नीले और ये हो जाएगा बायां नीले। ये केवल रेखा चित्र से समझा है। और ये आलिंद और नीले के मध्य में जो छिद्र होता है उसको अपन आलिंद नीले छिद्र बोलते हैं। इन दोनों के मध्य में आलिंद नीले छिद्र पाया जाता है। इसमें होता है दो कंपार्टमेंट होता है, यानी कि उस वाल में दो पर्दे होते हैं और इसमें तीन कंपार्टमेंट, मैंने तीन लाइनों से इसको दर्शा दिया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हृदय को चार भागों में बांट दिया है। ऊपर वाला हिस्सा आलिंद कहलाता है, नीचे वाला नीले कहलाता है, इधर वाला बायां भाग और इधर वाला दायां भाग। और अपने मानव जो हृदय होता है या परिसंचरण तंत्र की विशेषता होती है, इसमें शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर कहीं पर मिलता नहीं है, उसके कारण इसको अपन कहते हैं विशेष प्रकार का है, यानी इसमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर आपस में मिलते नहीं। अब इनका सर्कुलेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब सर्वप्रथम इस वाले भाग में अशुद्ध रुधिर होता है वो दाएं आलिंद से इस वाल्व के द्वारा दाएं नीले में आता है, जैसे वाल्व खुलेगा और ये जो ब्लड है दाएं नीले में बढ़ जाता है और दाएं नीले में बढ़ने के पश्चात ये वाल्व बंद हो जाता है और ब्लड आ जाता है दाएं नीले, और दाएं नीले से ब्लड निकलता है और जब ये संकुचित होगा और ये ब्लड निकलेगा और ये जाता है, मैं मोटी लाइन से दर्शा रहा हूँ, इसका मतलब यह है अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है और O2 की मात्रा कम है और ये जाएगा अपने फेफड़ों में। फेफड़ों को मैंने दर्शा दिया है ऐसे, और फेफड़े क्या काम करते हैं, रुधिर को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। ये फेफड़े हैं, ये अशुद्ध रुधिर को, अपने को पता है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस आती है, वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ब्लड के अंदर और CO2 होती है उसमें गैसों का एक्सचेंज होता है और जो अशुद्ध रुधिर होता है वो शुद्ध में बदलता है। तो ये अपने को पता है कि अशुद्ध रुधिर हमेशा सिरा में रहता है, लेकिन मैंने पहले वर्ड बताया कि जो पल्मोनरी वर्ड है ये याद रखना है कि यहाँ ये जो जाता है वो जाता है पल्मोनरी
धमनी से। सामान्य रूप से धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन प्रमोण की धमनी में अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में यह शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होने के पश्चात शुद्ध रुधिर को मैं पतली लाइन से दर्शाता हूँ और शुद्ध रुधिर चला जाता है बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद में ये मैंने दिशा दर्शाती है इस दिशा में चल रहा है। बाएं आलिंद में आने के पश्चात आलिंद निलय क्षेत्र को लेगा और बाएं निलय में ब्लड चला जाएगा, और जब बाएं निलय में संकुचन होगा, अब आपको पता है कि फेफड़े में से किस प्रकार का रुधिर आ रहा है, यहाँ पे तो अशुद्ध था, यहाँ पे कौन सा हो गया, शुद्ध हो गया, यानी कि ऑक्सीजन युक्त हो गया। और बाएं आलिंद से बाएं निलय, जैसे ही बाएं निलय में संकुचन होगा और ये ब्लड संकुचन के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। ये मैंने मानव शरीर के बारे में रेखा चित्र से बता दिया कि ये शरीर में चला जाएगा, शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों में, अंगों में, शरीर के अंग जैसे मस्तिष्क, हाथ, पैर, जो दूसरे सारे अंग हैं उसमें यह शुद्ध रुधिर चला जाता है। और आपको पता है किसके माध्यम से जा रहा है, ये धमनियों के द्वारा। शुद्ध रुधिर किसमें चलता है, ये विभिन्न प्रकार की धमनी के द्वारा पूरे शरीर में इसकी सप्लाई हो जाती है। और जैसे शरीर में अंगों में या ऊतकों में रुधिर जाएगा तो उसमें ये रुधिर क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि यह अशुद्ध हो गया, या सीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ने के पश्चात यह शरीर से इसमें चला जाएगा दाएं आलिंद में। कौन सा रुधिर जा रहा है, अशुद्ध, और मैंने दिशा दर्शा दी ये, और यहां से दाएं आलिंद से वापस दाएं निलय में, और दाएं निलय से इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। अब इसमें देखिए कि ये जो आलिंद को दोनों का साथ में संकुचन होता है, साथ में शीतलन होगा। जैसे इसमें शीतलन होगा तो क्या होगा, इसमें शरीर का एसिड रुधिर भरेगा और इसमें फेफड़ों से आया हुआ शुद्ध रुधिर भरेगा, और फिर दोनों के बारे में बोलते हैं तो दोनों का जो ब्लड होता है निलय में प्रवेश कर जाता है और यहाँ से इस प्रकार से ये चक्र, यानी कि एक चक्र में ये हृदय में से दो बार होके ब्लड गुजर रहा है। जैसे आप एक चक्र ब्लड का देखें तो यहाँ से जब शुरू करें तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ गुजर गया और सेकेंड टाइम ये गुजर गया, यानी कि एक चक्र में जो ब्लड होता है रुधिर से दो बार होकर के गुजरता है। इसलिए मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था है कि आलिंद आलिंद में हमेशा इस साइड में आप देख सकते हैं कि ये ऐसे रुधिर ही चल रहा है, फेफड़ों में दोनों के सीमा में शुद्ध और अशुद्ध अलग रहता है, और इस वाले हिस्से में ये जो हिस्सा है इधर शुद्ध रुधिर रहता है और ये वाला हिस्सा है उसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। इससे संबंधित और कोई भी जानकारी हो कमेंट करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।